अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बनाऊँगी बीफ का यखनी पुलाव। इसके लिए ये मैंने 2 किलो बीफ लिया है। इसको अच्छे से छोटी बोटी करके, इसको अच्छे से वॉश करके इसका पानी निचोड़ दिया है। ये हैं कुछ खड़े मसाले, ये है 2 जवे लहसुन के और 1 प्याज, ये हैं 3 अदद सब्ज़ मिर्चें। चलिए अब इसकी पहले यखनी तैयार करते हैं। यखनी तैयार करने के लिए ये मैंने एक लिया है प्रेशर कुकर। अब इसमें जाएगा हमारा बीफ। इसमें 3 अदद ग्रीन चिली, 1 प्याज, इसको छील लिया है, ये साबुत ही जाएगा। बाद में जब इसकी यखनी तैयार हो जाएगी हम इसको सब चीज़ों को निकाल देंगे। ये 2 लहसुन के जवे, ये कुछ खड़े मसाले, 3 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी की 6 और थोड़े से लौंग। अब ये इसमें जाएंगे। ये मैंने इसमें 1 kg पानी डाल दिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली और सुरख मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक डाल के 2 kg पानी डाल दिया है। अब इसकी यखनी तैयार करेंगे। इसके लिए प्रेशर को बंद करेंगे और इसका वेट ऊपर लगाएंगे और इसको 25 मिनट का प्रेशर देंगे। जब तक इसका प्रेशर आता है मैं दूसरा मसाला इसका रेडी करती हूँ। ये मैंने इसका वेट लगा दिया है। ये इसकी विसल, जब ये चलना स्टार्ट होगी तब तक फुल फ्लेम रहेगा, और जब ये 3 मिनट के लिए फ्लेम फुल रहेगा, जब ये चलना स्टार्ट हो जाएगी तो इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। जी बस इतनी देर में हम चावल का मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए ये मैंने लिया है 1 कप घी, 1/2 पैकेट पुलाव मसाला, 2 टमाटर लेके इनको पेस्ट बना लिया है, 15-20 ग्रीन चिली लेके उसका भी पेस्ट बना लिया है, 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 प्याज लेके उसको रफली चॉप कर लिया है। जी व्यूअर्स, प्रेशर बंद करके यखनी में से तमाम गोश्त को निकाल लिया है। अब मैं एक लूँगी पैन, अब इसमें घी डालूँगी और प्याज डाल के इसको हल्का हल्का ब्राउन करूँगी। व्यूअर्स, मैंने घी 1 कप लिया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने घी इसलिए कम लिया है क्योंकि जो गोश्त होता है हमारा, बीफ जो है उसमें भी फैट शामिल था, इसलिए घी मैंने 1 कप लिया है। अब मैं प्याज को हल्का हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करूंगी। ये हमारा प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसको अगर आप चाहें तो ज़्यादा ब्राउन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको लाइट ब्राउन ही रखूँगी। अब जो गोश्त यखनी में से निकाला था वो डालेंगे, उसको अच्छे से भून लेंगे। इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोश्त ऑलरेडी गल गया है और पक भी चुका है, लेकिन इसको ऑयल घी में फ्राई करेंगे। अब मैं अपने स्पाइसेस डालूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें जाएगा, साथ साथ इसमें डालती जाऊंगी और इनको भूनती जाऊंगी। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर का पेस्ट, ये भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के 3-4 टमाटर लेके इसकी प्यूरी बना ली थी, ग्रीन चिली का पेस्ट। अब ये तमाम चीज़ें डाल के इसको साथ साथ फ्राई भी करती रहूँगी। अब ये हमारा पुलाव का मसाला, 1/2 पैकेट ये मैंने लिया था, ये इसमें जाएगा। अब इसको डाल के हल्के तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई करना है। तब तक जब तक ये हर तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई ना हो जाएं और जो घी है वो चीज़ों में से, गोश्त में से सेपरेट हो जाएगा, तब तक इसको फ्राई करेंगे। ये गोश्त अब फ्राई हो गया है, घी ने गोश्त में से निकलना शुरू कर दिया है, या बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। ये जो यखनी हमने निकाली थी, 2 किलो हमने पानी डाला था, अब पकी थोड़ी रह गई है। अब इसमें बाकी 2 किलो चावल थे और इसमें 2 किलो और पानी ऐड करेंगे। 2 किलो चावलों में 4 किलो पानी जाएगा। ये हमने यखनी में पानी डाल के पूरी क्वांटिटी कर ली है। ये स्पाइसेस जो हमने गोश्त में डाले थे उनको, खड़े मसाले और लहसुन को निकाल लेंगे। अब अपनी यखनी, हमारा गोश्त जो भुन गया था उसमें डालेंगे और इसको कवर करके बॉयल आने तक पकाएंगे। ये वही यखनी थी जो हमने गोश्त में पानी डाल के बनाई थी। यखनी डाल दी है और अब इसको कवर करके बॉयल आने तक पकाएंगे। बस अब चावलों को मैंने पानी डाल के भिगो दिया था। 2 किलो गोश्त था और 2 किलो चावल थे। अच्छे से 5-6 पानी इसको डाल के अच्छे से पानी को, चावलों को पानी से वॉश कर लेना है, ताकि इसका वो जो वाइट वाइट येलो सा पानी होता है वो ख़त्म हो जाए। तो तब तक इसको अच्छे से वॉश कर लेना है।
अब देखेंगे पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अपने चावल डालेंगे। चावल अच्छे से डाल के इनको, विवश ये बात हमेशा याद रखें, जब हम चावल इसमें पानी में डाल दें तो बाद में चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना, इससे चावल टूट जाते हैं। बस इनको अब कवर करके पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। ये तकरीबन ऑलमोस्ट हल्का हल्का पानी रह गया है, पानी सारा खुश्क हो गया है। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे और फ्लेम हमारा स्लो हो जाएगा, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको दम लगाएंगे। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका दम खोल लेंगे। माशाल्लाह हमारा पुलाव, बीफ का पुलाव बहुत अच्छा रेडी हुआ है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। व्यूअर्स, हम इसको डिश आउट करेंगे। इसके साथ ही व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों तो मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।